गाइस, चलिए आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक और कॉइन का लॉट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऑर्डर मेरे पास आज आया हुआ है, तो आज मैं इसे अनबॉक्स करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है। वीडियो में बने रहें। ये इसका इनवॉइस है। जैसे कि इनवॉइस डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉपर कॉइन्स हैं। तो कौन से कॉपर कॉइन्स हैं आपको जानने की उत्सुकता जरूर होगी। जल्दी ही मैं बताने वाला हूं कि कौन से कॉपर कॉइन्स हैं ये। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह है एडवर्ड 7 के कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन। तो आज के इस वीडियो में मैं 1903 से लेकर 1910 के पूरे कॉइन्स को डिटेल्स में बताने वाला हूँ विथ प्राइस। वन क्वार्टर आना इंडिया 1910 एडवर्ड 7। तो लाइन से ये कॉइन का सेट है 1907 कॉइन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ₹1909 का कॉइन, बहुत ही रेयर कॉइन में से एक है ये। किंग एडवर्ड 7 का कॉइन, तो बात करते हैं इनके मेटल कंपोजिशन की। तो 1903 से लेकर 1906 तक के जो कॉइन्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्योर कॉपर कॉइन्स हैं। 1903 से लेकर 1906 तक के जो कॉइन हैं एडवर्ड 7 के वन क्वार्टर आना में, ये 3, 4, 5, 6 ये प्योर कॉपर कॉइन्स आते हैं। और इनका जो डायमीटर है वो 25.30 से लेकर 25.50 mm तक होता है। साथ ही इनका जो वेट है वो 6.47 ग्राम होता है ये सभी क्वाइंस के। लेकिन जो और 1906 से लेकर 1910 तक के कॉइन दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा रेडिश दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा आपको येलोइश दिख रहा होगा। तो 1906 से लेकर 1910 तक के जो ये कॉइन है, ये ब्रॉन्ज के कॉइन है, ब्रॉन्ज मेटल के कॉइन है। और इनका वेट इनसे कम है, इनका वेट है 4.85 ग्राम्स। साथ ही इनका साइज सेम है 25.30 से लेकर 25.50 मिलीमीटर तक, सर्कुलर से। अब हम बात करते हैं इन कॉइन्स के बारे में। तो 1903 का जो कॉइन आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं, 1903 का ये कॉइन वन क्वार्टर आना इंडिया का कॉइन एडवर्ड 7 का, तो इस कॉइन का फाइन टू यूएनसी कंडीशन में प्राइस है ₹50 से लेकर ₹1000 तक। अगर फाइन कंडीशन में है तो ₹50 प्राइस है, अगर यूएनसी कंडीशन में है तो ₹1000 भी इसके आपको मिल सकते हैं, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। बात करते हैं दूसरे कॉइन की। ये कॉइन है 1904 का। अच्छा हाँ, 1903, 4, 5 और 6 के ये सभी जो कॉइन है, चारों कॉइन, ये चारों कॉइन जारी किए गए थे कलकत्ता मिंट से ओनली। तो 1904 का ये कॉइन भी जारी किया गया था कलकत्ता मिंट से, वन क्वार्टर आना। इस कॉइन का भी प्राइस जो रिसेंट मार्केट प्राइस है वो ₹50 से लेकर ₹1000 तक है, फाइन टू यूएनसी कंडीशन में। ये फाइन कंडीशन के कॉइन्स आपको दिख रहे हैं। थर्ड जो कॉइन है वो 1905 का वन क्वार्टर आना में कॉपर कॉइन है, जैसे कि आप इसे देख पा रहे हैं, किंग एडवर्ड 7 का, मतलब 100 साल से पुराना कॉइन है ये। और वर्तमान मार्केट्स में प्राइस में इसका जो प्राइस है वो फाइन टू यूएनसी कंडीशन में ₹50 से लेकर ₹800 तक है, फाइन कंडीशन का कॉइन है, ₹50 का कॉइन है ये।
कलकत्ता मिंट से ये जारी किया गया कॉइन है। अगला जो कॉइन है 1906 कॉपर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वन क्वार्टर आर इंडिया, तो ये कॉइन भी फाइन टू यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये से लेकर 800 रुपये तक वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। ये भी कॉइन कलकत्ता मिंट से ही बस जारी किए गए हैं। अगला जो कॉइन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1906 का फिर से आ गया, लेकिन ये जो कॉइन है वो ब्रॉन्ज मेटल में है और ये स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स में आता है और फाइन कंडीशन से लेकर यूएनसी कंडीशन में भी इसकी वैल्यू हाई है। तो फाइन कंडीशन में इस कॉइन की वैल्यू भी आपको रहेगी 200 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक, 4000 रुपीज़ तक। फाइन कंडीशन में 200 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 4000 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 400 रुपये के आसपास और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 800 रुपये के आसपास ये कॉइन की वैल्यू है। ब्रॉन्ज 1906 के वन क्वार्टर आना एडवर्ड 7 के कॉइन की वैल्यू। बात करते हैं 1907 के इस कॉइन की। 1907 का ये जो कॉइन आपको दिख रहा है वेरी फाइन कंडीशन का कॉइन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिटेल्स अच्छे हैं इसमें, तो ये वेरी फाइन कंडीशन की कॉइन में आता है और इस कॉइन की भी वैल्यू फाइन टू यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये से लेकर 800 रुपये तक है। ये कॉमन कॉइन है, कलकत्ता मिंट से जारी किया गया कॉइन है ये भी। बात करते हैं 1908 में कॉइन केवल कलकत्ता मिंट से जारी किया गया था, ये भी कॉमन कॉइन में आता है और फाइन टू यूएनसी कंडीशन में इसकी भी वैल्यू वर्तमान मार्केट प्राइस जो है वो 50 रुपये से लेकर 800 रुपये तक है। ये भी वेरी फाइन कंडीशन का कॉइन, जैसे कि आप इसे देख पा रहे हैं डिटेल्स इसमें अच्छे दिख रहे हैं आपको। अगला जो कॉइन है 1909 का वो रेयरेस्ट कॉइन में आता है, ये रेयर कॉइन है 1909 का वन क्वार्टर आना का एडवर्ड 7 का कॉइन। डिटेल्स इसमें उतने अच्छे नहीं है बट ये रेयर कॉइन में आता है और फाइन टू यूएनसी कंडीशन में इसकी जो मार्केट प्राइस है फाइन कंडीशन में ये 1000 रुपये का कॉइन है और यूएनसी कंडीशन में ये कॉइन की वैल्यू है 20000 रुपये तक, 20,000 रुपीज़ तक इसकी वैल्यू है, 20000 रुपये तक की भी इसकी वैल्यू है क्योंकि ये रेयर कॉइन है, कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया। वेरी फाइन कंडीशन में ये 1500 रुपये तक का कॉइन है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये 4000 रुपये तक का कॉइन है और यूएनसी कंडीशन अगर ये कॉइन चमचमाता रहता तो ये 20000 रुपये का कॉइन होता, एकलौता कॉइन। चलिए बात करते हैं लास्ट कॉइन की, 1910 के एडवर्ड 7 के वन क्वार्टर आना कॉइन की बात करते हैं हम। जैसा कि आप इसे देख पा रहे होंगे तो ये कॉइन भी कलकत्ता मिंट से ही जारी किया गया था और ये भी कॉमन कॉइन में आता है और इसकी भी वर्तमान मार्केट प्राइस 50 रुपये से लेकर 800 रुपये तक है फाइन टू यूएनसी कंडीशन में। इसकी कंडीशन वेरी फाइन कंडीशन में है ये कॉइन, जैसे कि आप इसे देख पा रहे हैं 100 साल पुराने सब कॉइन हैं और 100 साल पुराने कॉइन्स को आप इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकते बिना परमिशन लिए। तो ये सभी रेयर, इसमें से दो कॉइन जो है वो रेयर कैटेगरी के कॉइन्स में आते हैं, रेयर और स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स में आते हैं। 1909 का कॉइन आपको संभाल कर रखना चाहिए यदि आपके पास है। बैक साइड में इसमें एडवर्ड 7 की पोर्ट्रेट बनी हुई है और एडवर्ड 7 लिखा हुआ है इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड में, साथ ही किंग एम्परर लिखा हुआ है इसमें राइट हैंड साइड में, आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका अनबॉक्सिंग और इसका पूरा डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।